बेटा उस समय SSC छुप के देने वाला एग्जाम होता था। लोग छुप के एग्जाम देते थे कि भाई हम SSC का एग्जाम देंगे, ये तो शर्म की बात है। IAS नहीं तो क्या, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? और जो वो इंस्पेक्टर की वर्दी मिल जाती थी सीधा 3 सितारा वाली एक्साइज में, फिर तो जैसे मेरी एक रिलेटिव भी है और उसने मुझे कहा कि वो हनीमून के लिए विदेश गई थी, बोली कि आपको मौसी नहीं पता कि किस तरह का सम्मान होता है। इंस्पेक्टर इनकम टैक्स सेंट्रल एक्साइज प्रिवेंटिव ऑफिसर में बेटा व्हाइट ड्रेस होता है। तो पहले आते हैं कि हम चलते हैं बेटा CGL की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और CGL होता क्या है और उसके अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट आते हैं और क्यों ये इतना प्रचलित है बच्चों के बीच में। बेटा याद रखना, एक एग्जाम है सिविल सर्विसेज का भारत में, जिसमें आपका सिलेक्शन कलेक्टर के रूप में होता है। और गांव में एक मानसिकता थी लोगों के बीच में कि मेरा बेटा अगर कलेक्टर बनेगा तो भाई मेरा तो रुतवा होगा, क्योंकि कलेक्टर वहां पे माई बाप कहलाते थे, है ना। गांव में गरीब लोग होते थे ज़्यादातर और ज़्यादा बहुत पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो जब कलेक्टर साहब आते थे तो वो माई बाप कहलाते थे। और उसको देखकर जब एक गांव का लड़का बड़ा होता था तो उनकी फीलिंग आती थी, बाप रे माई बाप आ गए। अब उसके बाद क्या हुआ, ये बच्चे भी बड़े हुए, इनको भी महसूस हुआ कि भाई हम क्यों नहीं बन सकते हैं। जब एजुकेशन सबको मिलना शुरू होता है तो सबके मन में सपने पलने लगते हैं। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए जो बच्चे आए दिल्ली, अब मैं आपको बहुत छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत सारे हो हल्ला में फंसे हुए हैं, तो मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। और कहानी नहीं, ये सच्चाई है, याद रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनना, आपको पता चलेगा कि SSC की फील्ड में किस तरह से क्रांति आई थी और वो मैं आपको बताती हूँ। बेटा जब मैं यहाँ मुखर्जी नगर में आई 2006 में, तो मेरे पास कुछ बच्चे आए इंग्लिश पढ़ने के लिए, UPSC कंपल्सरी इंग्लिश फेल होके, और फिर वो लोग स्पोकन पढ़ना चाहे क्योंकि उन्होंने देखा मैडम अच्छा पढ़ाती है, तो वो स्पोकन में भी एडमिशन लेने लगे। और वही बच्चे थे जिन्होंने मुझे एक बच्चों के साथ जोड़ा, और जब मैंने उन्हें असफल होते देखा, बहुत सारे बच्चे असफल होते हैं UPSC में, बहुत सारे। इनफैक्ट जब मैंने महसूस किया कि भाई जो भी बच्चा दिखता है असफल ही दिखता है, इक्का दुक्का ही सिलेक्टेड है। और आज भी उस समय के जो हमारे कुछ एक दो बच्चे जो मेरे पास कंपल्सरी इंग्लिश पढ़े थे वो सिलेक्टेड, आज भी मेरे से जान पहचान है। और वो बहुत शालीन इंसान होते हैं पता है UPSC वाले, और बहुत ही कदर करते हैं और टीचर्स के खिलाफ कभी भी एक शब्द मुँह से नहीं निकालते हैं। अब देखो हुआ क्या, मैंने बैठ के सबका सिलेक्शन का रेशियो निकाला तो मैंने देखा सिर्फ 0.25% सिलेक्शन का रेशियो है। और मैंने एक, क्योंकि हमारे पास बहुत पैसे नहीं थे, हमने पैम्पलेट छपवा दिया, IAS नहीं तो क्या, क्या आप इसके लिए तैयार हैं। और ये ऐसा वार था UPSC के सपने बेचने वाले बहुत सारे लोगों में कि मुझे बिल्कुल मुखर्जी नगर में ये फीलिंग आती थी कि भाई मैं बायकॉट हो चुकी हूँ, क्योंकि मैंने बच्चों को असली चेहरा दिखा दिया सिविल सर्विसेज का। और ये बात बहुत सारे लोगों को बुरी लगी, लेकिन सारे जितने UPSC की तैयारी करने वाले जो बच्चे थे उन सबको लगा बिल्कुल सही बोल रही है। और मैंने बिल्कुल एकदम एक एक चीज़ कर दिया कि देखो IAS की तैयारी करते हो आप, तो अगर आप असफल होते हो तो ट्यूशन पढ़ाने लायक भी नहीं होते हो आप, क्योंकि ट्यूशन में भी बच्चा इंग्लिश मैथ्स ये पढ़ता है और साइंस पढ़ता है, आप सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह पढ़े होते हैं, इसीलिए आप ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी लायक नहीं रहते हो। ये एक बहुत बड़ा वार था। और उसके बाद UPSC वाले छात्रों ने मेरे पास बच्चे भेजने शुरू कर दिए, कौन, उनके छोटे भाई बहन, कि मैडम 18 साल का 19 साल का है, आपके पास एक नौकरी ले लेगा और उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करेगा। बेटा उस समय SSC छुप के देने वाला एग्जाम होता था, लोग छुप के एग्जाम देते थे कि भाई हम SSC का एग्जाम देंगे, ये तो शर्म की बात है, छुप के देते थे। लेकिन धीरे धीरे जब ये पोस्ट एक लोगों को महसूस होने लगा, भाई इसको करके वर्दी मिलता है, वाइट रंग का आपका जो वर्दी है ना, उसके बाद एक्साइज का जो वर्दी है, ये सब एक फीलिंग दिखाता था कि भाई अब कहाँ आप क्या कर रहे हो, आप कम से कम इन वर्दी में तो आओ। और जो वो इंस्पेक्टर की वर्दी मिल जाती थी सीधा 3 सितारा वाली एक्साइज में, फिर तो
कई बच्चे जब यहाँ सेलेक्टेड होके आने लगे, क्योंकि बेटा पहले सिलेक्शन जैसे बच्चों का होता था, वो सीधा मिठाई लेके पहुँचते थे। इनफैक्ट पिछले साल तक की मैं बात कहूँगी, सीपीओ का टॉपर सीधा मिठाई लेके पहुँच गया, ठीक है ना, और उसके बाद हमने बिल्कुल ढोल पिटवा दिया। और उस समय जब सिलेक्शन होते थे तो बच्चे सीधा मिठाई लेके आते थे। और याद रखिएगा बेटा, जब आपको ये फीलिंग आएगी कि भाई हमारा सिलेक्शन भी ऐसे पोस्ट्स पे हो सकता है, इंस्पेक्टर इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, प्रिवेंटिव ऑफिसर में बेटा वाइट ड्रेस होता है, इतना स्मार्ट लगते हो ना। एक दो बार मैंने एक दो स्टूडेंट्स का बिल्कुल ये शेयर भी किया है। अभी सबसे ऊपर जो पोस्ट चल रहा है वो AAO का चल रहा है, इसलिए याद रखिएगा, लोग अब जो पोस्ट सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले वो AAO करते हैं, फिर इंस्पेक्टर करते हैं इनकम टैक्स, और तीसरे चौथे पर उनका सेंट्रल एक्साइज का रहता है। हाँ, जो लोग UPSC वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं और दिल्ली में रख के तैयारी करना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट करते हैं असिस्टेंट का पोस्ट, ताकि वो दिल्ली में रह सके। बेटा ये सारे जो पोस्ट है जो मैंने आपको दिया है, ये सारे पोस्ट में आपको एक फीलिंग आएगा कि भाई हाँ, अब जो मैं पोस्ट पे हूँ वो पोस्ट UPSC का नहीं तो उसके नीचे वाला तो है। यानी आपके कंधे पर जब 3 सितारा लग गया एक्साइज का, आप जब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हो, तो बेटा जैसे मेरी एक रिलेटिव भी है और उसने मुझे कहा कि वो हनीमून के लिए विदेश गई थी, बोली कि मैं आपको मौसी नहीं पता कि किस तरह का सम्मान होता है, ठीक है। मुझे भी एक फीलिंग आया कि भाई हम भी सरकार का भाग है और अब सरकार में जो पोस्ट है, जो इंडिया में सम्मान है, वही सेम सम्मान मुझे यहाँ मिला। तो बेटा ये एक ऐसा पोस्ट है जो आपको कम मेहनत में, क्योंकि आपको पता है सिविल सर्विसेज में बहुत मेहनत है, कम मेहनत में एक बहुत बढ़िया सरकारी नौकरी दिलवा सकता है। और जो ग्रेजुएट लेवल का है, इसका मतलब है कि टॉप मोस्ट है।